Hello friends, this is Shikha Jain and welcome to our channel We Success Journey. Today we study chapter 1 of class 9, that is matter in our surroundings. As we look our surroundings, we see a large variety of things with different shapes and sizes and texture. हम अपने आसपास अगर देखते तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिनके अलग अलग शेप्स हैं, अलग अलग साइजेज हैं और अलग अलग टेक्स्चर हैं. एवरी थिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटीरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर. यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक मटीरियल से बनी जिनको साइंटिस्ट मैटर बोलते हैं. द एयर वी ब्रीद, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार, प्लैनेट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, ईच थिंग इज मैटर. जो भी हम सांस लेते हैं या खाना हम खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लैनेट्स, एनिमल्स, पानी की एक बूंद और पार्टिकल ऑफ साउंड, ये सब मैटर हैं. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space, that is volume and have mass. जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं अपने आसपास वो हम देखते हैं कि स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और जिसको हम वॉल्यूम बोलते हैं और उनमें मास होता है. सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स. अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ द फाइव बेसिक एलिमेंट्स. पहले से ही जो ह्यूमन बींग्स है वो अपने सराउंडिंग्स को, अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं. जो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स, जो पहले के इंडियन फिलोसफर्स थे, उन्होंने मैटर को फाइव बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई डिवाइड किया है जिनको हम बोलते हैं पंच तत्व. दैट इज एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. हवा, पृथ्वी, आग, आकाश और पानी. अकॉर्डिंग टू देम एवरी थिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज फाइव बेसिक एलिमेंट्स. जितने भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो इन फाइव बेसिक एलिमेंट्स से बनी हुई हैं. एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. और जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स थे वो भी इसी क्लासिफिकेशन पे अराइव आए थे. मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर. लेकिन आज के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसकी टू बेसिस पर क्लासिफिकेशन किए, टू टाइप्स में, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करती है और केमिकल नेचर के ऊपर डिपेंड करती है. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स. अब इस चैप्टर में आज हम इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे और आगे के चैप्टर्स में हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर. वन स्कूल बिलीव मैटर टू बी कॉन्टिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, वेयर एज द अदर थॉट दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड. जो बहुत टाइम से जो दो स्कूल्स हैं वो ये मान रहे थे, एक तो ये मानते हैं कि मैटर जो है कॉन्टिन्यूस है जैसे एक ब्लॉक ऑफ वुड है, और दूसरे ये मानते हैं कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है जैसे सैंड होती है, रेत होता है. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इज इट कॉन्टिन्यूस और पार्टिकुलर. अब इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि मैटर कॉन्टिन्यूस है या पार्टिकुलेट है. इस एक्टिविटी में हमें डिस्कस करा गया कि टेक अ 100 ml ऑफ बीकर. हमें एक बीकर लेना है और उस बीकर को पानी से भर देना है हाफ, और उसका मार्क कर देना है लेवल वाटर का. उसमें फिर हमने सॉल्ट या शुगर डालना है और उसको डिसॉल्व करना है ग्लास रॉड की हेल्प से, और फिर उसमें चेंज देखना है उसके वाटर लेवल में. What do you think has happened to the salt? Where does it disappear? अब हम देखें कि लेवल उसमें क्या आया. अगर आप नोट करेंगे तो सॉल्ट को क्या हुआ, उसका लेवल वाटर का चेंज हुआ या नहीं है. वो जो सॉल्ट हमने डाला था वो अब हमें दिख नहीं रहा, वो कहाँ चला गया. Does the level of water change? In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. अगर हमें समझना है तो हमें ये यूज़ करना पड़ेगा आइडिया कि मैटर जो है पार्टिकुलेट होता है, मतलब पार्टिकल्स का बना होता है. वॉट वॉज देयर इन अ स्पून सॉल्ट ऑफ शुगर. अगर हम सॉल्ट या शुगर को लें, हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू अ वाटर. क्या वो पूरे पानी में फैल गए हैं सॉल्ट या शुगर के अगर हम डालते हैं तो. इसमें दिखाई डायग्राम में भी दिखा रखा है, वैन वी डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इन टू द स्पेसिस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर. मतलब जब हमने सॉल्ट डिजोल्व करा, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे वो जो पार्टिकल्स थे वाटर के, उनके बीच में उन्होंने स्पेस जो था उसको ऑक्यूपाई कर लिया है. हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर. अब वो जो पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे होते हैं, इसमें हम एक्टिविटी डिस्कस करेंगे जिसमें 2-3 क्रिस्टल्स ले रहे हैं हमें पोटेशियम परमैंगनेट के, और उनको 100 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व करना है. टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इट इन टू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर. टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इट अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर. अब हम जो हमने डिजोल्व करा था उस सोल्यूशन में से हम 10 ml निकालेंगे और दूसरे पानी में डालेंगे 90 ml क्लियर वाटर जिसमें कुछ नहीं है.
फिर जो हम डिजोल्व कर उसमें से फिर दोबारा 10 ml निकालेंगे और फिर दूसरे 90 ml क्लियर वाटर में डालेंगे। ऐसे हम 5 to 8 टाइम्स उसे डाइल्यूट करेंगे। इज द वाटर स्टिल कलर्ड? क्या पानी में अब भी कलर है? एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर विद एवरी डायल्यूशन दो द कलर बिकम्स लाइट इट इज स्टिल विजिबल। मतलब पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि डायल्यूशन के होने के बावजूद भी उनका विजिबल है कलर। दिस एक्सपेरिमेंट शोज जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 liters। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स इंटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। तो हम ये देख सकते हैं कि एक जो क्रिस्टल है पोटेशियम परमैंगनेट में उतने इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इतने मिलियंस होते हैं कि वो डिवाइड करते रहते हैं छोटे और छोटे और छोटे पार्टिकल्स में। अल्टीमेटली अ स्टेज इज रीच वैन द पार्टिकल्स कैन नॉट डिवाइड फर्दर इंटू स्मॉलर पार्टिकल्स। जब तक कि जो वो पार्टिकल्स हैं फर्दर डिवाइड ना करते रहे इतने वो डिवाइड करते रहते हैं। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। दिस स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डायल्यूशन। अगर हम डेटॉल के साथ भी यही सेम एक्टिविटी करेंगे तो हम देखेंगे डायल्यूशन होने के बावजूद भी हम उसकी स्मेल को डिटेक्ट कर पाएंगे डेटॉल की। The particles of matter are very very small. They are small beyond our imagination. मतलब वो particles के matter के इतने छोटे होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। Characteristics of particles of matter. Characteristics मतलब उनकी विशेषताएँ क्या हैं particles जो है matter की। Particles of matter have space between them. जो particles होते हैं matter के उनके space मतलब जगह होती है बीच में आपस पार्टिकल बिटवीन पार्टिकल्स। इन एक्टिविटीज 1.1 and 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर एंड सॉल्ट डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी कॉफी और लेमनेट पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इन टू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। तो हम एक्टिविटी में जो हमने अभी ऊपर करी थी उसमें हमने देखा कि जो शुगर सॉल्ट डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स थे पार्टिकल्स थे वो इतने इवनली मतलब पूरे वाटर में डिजॉल्व हो गए थे। उसी तरह अगर हम चाय कॉफ़ी लेमनेड बनाते हैं जो एक मैटर के पार्टिकल्स है वो दूसरे पार्टिकल्स के स्पेस में चले जाते हैं। दिस शोज देयर इज अनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के उनके बीच में इतना स्पेस होता है कि वो दूसरे पार्टिकल्स को डिजॉल्व कर सकें। अब इसमें एक और पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। अब इसमें एक्टिविटी से में हम देखेंगे जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कॉन्टीन्यूसली मूव मतलब कॉन्टीन्यूसली वो चलते रहते हैं। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू स्मेल इट्स गेट इट स्मेल। अगर हम इंसेंस स्टिक एक कॉर्नर पर जलाते हैं क्लास के तो हम देख मतलब कितनी दूर तक हम उसकी स्मेल ले सकते हैं। अगर पुटेन अभी हमने जलाई नहीं है पहले उसकी स्मेल हम कहाँ तक ले सकते हैं और उसके बाद नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक। अगर हम उसको जला देते हैं तो फिर अब उसकी स्मेल कहाँ तक आएगी। रिकॉर्ड करनी है ऑब्जर्वेशन। एक्टिविटी 1.4 में हमें 2 glasses या बीकर्स लेने हैं उन्हें पानी से भरना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। एक बीकर में हमें रेड या ब्लू इंक डालनी है कॉर्नर साइड से फर्स्ट बीकर के और दूसरे में हनी डालना है। इसी तरह से लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस एंड कॉर्नर इन अ क्लास। उन्हें थोड़ी देर के लिए रख देना और उनकी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप डालने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व करा और हनी डालने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व करा और कितनी देर डेज या उनको आवर्स लगे उस कलर ऑफ इंक को टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर उस इंक को पूरे पानी में फैलने में। इस एक्टिविटी में हम डिस्कस करेंगे ड्रॉ अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इन टू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। हमें कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल एक या पोटेशियम परमैंगनेट का डालना है एक ग्लास में जिसमें हॉट वाटर है और दूसरे ग्लास में जिसमें कोल्ड वाटर है और हमें उन्हें स्टिर नहीं करना है मिलाना नहीं है। अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम उनको नीचे बैठने देना है क्रिस्टल्स को। वट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास वट हैपन्स एज टाइम पासेस। हम जो सॉलिड क्रिस्टल हम डालो उसमें हम क्या चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं जैसे जैसे टाइम पास हुआ है। वट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इससे हमें सॉलिड या लिक्विड के पार्टिकल्स के बारे में क्या पता लगता है। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर जो रेट ऑफ मिक्सिंग जिस तरह से जो पार्टिकल्स घुलते हैं वो क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं उनका रेट ऑफ मिक्सिंग। इन तीनों एक्टिविटी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं। दैट इज द प्रोसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी जिसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं।
एज द टेम्परेचर राइजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है पार्टिकल्स मूव फास्टर, पार्टिकल्स और फास्टर मूव करने लगते हैं. सो वी कैन से दैट विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज. तो मतलब जब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो भी इंक्रीज करती है. इन द अबव थ्री एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर. दे डू सो बाय गेटिंग इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. अब इन तीनों एक्टिविटीज़ में हमने देखा कि पार्टिकल्स जो है मैटर के वो अपने आप ही एक दूसरे में मिल जाते हैं. वो ये कैसे होता है, जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के वो इन दो आपस में उन स्पेसिस में चले जाते हैं. ये जो इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर में, उसको हम अपने आप ही जो उनकी मिक्सिंग होती है उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं. वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर. और अगर हम हीट करते हैं, गर्म टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो डिफ्यूजन और तेज फास्टर होती है. लेकिन ऐसा क्यों होता है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. इस एक्टिविटी में डिस्कस करा गया प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक फोर ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड. मतलब हमें एक गेम खेलना है जिसमें हमें ह्यूमन चेन्स बनानी है, ऐसे फोर ग्रुप्स बनाने हैं. फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लुक आर्म्स लॉक आर्म्स लाइक बिहू एंड डांसर्स. जैसे बिहू डांसर्स अपनी आर्म्स लॉक कर लेते हैं एक ग्रुप को इस तरह हाथ पकड़ने. सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन. एक ग्रुप तो पीछे बैक से एक दूसरे को होल्ड करेंगे, दूसरा ग्रुप जो है सिर्फ हाथ पकड़ेंगे. थर्ड ग्रुप जो है वो सिर्फ अपनी फिंगर टिप्स आपस में टच करके ग्रुप बनाएंगे. नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द थ्री ह्यूमन चेन्स वन बाय वन इनटू एज मैनी स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल. जो फोर्थ ग्रुप है स्टूडेंट्स का वो जाएगा और इन ह्यूमन चेन्स को ब्रेक करेगा जो तीन हमने बनाई है, और कितने छोटे छोटे ग्रुप्स वो बना सकते हैं. विच ग्रुप वॉज ईजीएस्ट टू ब्रेक एंड बाय. सबसे ईजी कौन सा था ग्रुप ब्रेक करना, ह्यूमन चेन जो बनाई थी, और क्यों ऐसा क्यों? If we consider each student as a particle of matter, then in each group the particles held each other with the maximum force. अगर हम हर स्टूडेंट को एक पार्टिकल ऑफ मैटर कंसिडर करें तो हम देखेंगे इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम. पार्टिकल्स कौन से ग्रुप में पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे को मैक्सिमम फोर्स से पकड़े हुए हैं. एक्टिविटी 7.7 में टेक एन आयरन, हमें एक आयरन नेल मतलब कील लेनी है, एक पीस ऑफ चॉक लेना है, एक रबर बैंड लेनी है, उनको हमें तोड़ना है, चाहे तो हैमरिंग मतलब हथौड़ा मार के या कट करके या खींच कर स्ट्रेच करके. और इन विच ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंसेज डू यू थिंक द पार्टिकल्स हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स. और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कौन से सब्सटेंसेज में जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ ज़्यादा फोर्स से अटैच हैं. एक्टिविटी 1.8 में हमें वाटर टैप नल खोलना है. ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स. जो नल में से पानी निकल रहा है उसका जो फ्लो है उसे हम अपने फिंगर से ब्रेक करने की कोशिश करनी है. क्या हम उसे कट कर पा रहे हैं उस स्ट्रीम को? वट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर. लेकिन वो रीज़न क्या हो सकता है जिससे वो जार जो है जो फ्लो है टूट नहीं रहा है. द अबव थ्री एक्टिविटीज जो उसमें हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन द. जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनमें आपस में एक फोर्स एक्ट करती है. दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर. और इसी फोर्स की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे एक साथ बने रहते हैं. द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर. ये जो स्ट्रेंथ है फोर्स की, ताकत है, ये डिपेंड करता है मैटर टू मैटर पे. नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर. ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू. वट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स? वी कैन सी that matter around us exist in three different states, that is solid, liquid and gas. अब हमने आस पास के मैटर्स देखे और उनकी मैटर देखे और उनके देखे कौन कौन से स्टेट में, तो हम देखेंगे कि तीन तरह के स्टेट्स होती है मैटर की. सॉलिड, लिक्विड मतलब तरल पदार्थ, या फिर गैस, गैशियस फॉर्म. दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ये वेरिएशन क्यों है मैटर में, अलग अलग तरह से क्यों है? क्योंकि उनकी विशेषता है जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की करेक्टरिस्टिक्स है वो अलग अलग हैं, वेरी करते हैं. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल. अब हम उनकी प्रॉपर्टीज डिटेल में पढ़ते हैं, मतलब उनके गुण क्या हैं. द सॉलिड स्टेट कलेक्ट द, इस एक्टिविटी में डिस्कस करेंगे कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स. हमें आर्टिकल लेना है, एक पेन लेना है, एक बुक, एक नीडल और एक थ्रेड लेना है, पीस ऑफ थ्रेड. स्केच द शेप ऑफ द अबव पार्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम. अब इनके चारों तक पेंसिल चला के हमें इनकी शेप बनानी है. डू ऑल दिस हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम. क्या इन सबकी एक डेफिनेट शेप है, बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट, अलग अलग बाउंड्रीज हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम है. वट हैपन्स इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड. अगर हम इन्हें हैमर करें या उन्हें खींचें या उन्हें घेरें तो क्या होगा?
Are these capable of diffusing into each other? Try compressing them by applying force. Are you able to compress? हमें दबा के देखना है क्या वो अपने आप capable हैं आपस में diffuse होने के. All the three examples above are examples of solid. ये जो भी हमने चीज़ें अभी ऊपर ली थी ये सब solids के example हैं. We can observe that all these have a definite shape. इन सब की एक definite shape है, distinct boundaries है और fixed volumes है. That is have negligible compressibility. मतलब इनकी compressibility जो इनको हम दबाते हैं वो negligible है, मतलब उनको हम बहुत कम press कर सकते हैं. Solids ना के बराबर ही press कर सकते हैं. Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to out साइड फोर्स. सॉलिड की टेंडेंसी होती है कि वो प्रेशर आने पे भी, फोर्स आने पे भी अपनी जो शेप है उसको मेंटेन रखते हैं. सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स, वो टूट सकते हैं बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप. लेकिन उनकी शेप चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट है. सपोज पेन पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो टूट जाएगा लेकिन उसकी शेप एज इट इज़ रहेगी. सो दे आर रिजिड, तो रिजिड होते हैं. इसलिए नाउ कंसिडर द फॉलोइंग. वट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इज शेप ऑन स्ट्रेचिंग. अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो क्या उसकी शेप चेंज होती है. इज इट अ सॉलिड, क्या वो सॉलिड है. वट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, अगर हम नमक चीनी की बात करें. वैन कैप्ट इन डिफरेंट जार्स दीज टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड. अगर हम उनको किस जिस जार में डालते हैं वो उन जार की शेप ले लेते हैं, क्या वो सॉलिड है. वट अबाउट अ स्पॉन्ज, अगर हम कोई स्पॉन्ज लेते हैं क्या वो सॉलिड है, जबकि हम उसे कंप्रेस भी, हम उसको प्रेस भी कर सकते हैं, और ऐसा क्यों. ऑल द अबव आर सॉलिड्स, ये सब सॉलिड है. एज क्यों, क्योंकि अ रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन्स द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड. क्योंकि रबर बैंड है जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं जब उसकी शेप चेंज हो जाती है, लेकिन उसको फोर्स हटाते ही, फोर्स रिमूव करती ही वो अपनी वापस रिगेन अपनी शेप वापस ले लेता है. इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो वो टूट जाएगा. द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड. जो शुगर या सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं उनकी शेप भी इंडिविजुअल, मतलब एक अकेले शुगर क्रिस्टल या सॉल्ट क्रिस्टल की उनकी शेप भी फिक्स है. वेदर वी टेक इन आर हैंड, चाहे वो अपने हम हाथ में ले वो शुगर क्रिस्टल्स, या किसी प्लेट में रखें या किसी जार में रखें. अ स्पॉन्ज हैज माइन्यूट होल्स, स्पॉन्ज के अंदर माइन्यूट होल्स मतलब छेक होते हैं. इन विच एयर इज ट्रैप, इनमें एयर ट्रैप हो जाती है. वैन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट, जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वो एयर एक्सपेल बाहर निकल जाती है. एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, जिसकी वजह से हम उसको कंप्रेस कर पाते हैं. नाउ द लिक्विड स्टेट, इस एक्टिविटी में बताएगा कलेक्ट द फॉलोइंग. हमें ये चीज़ें लेनी है, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड अ कोल्ड ड्रिंक. कंटेनर्स, हमें अलग अलग शेप के कंटेनर्स लेने हैं, और उनमें 5 ml का मार्क लगाना है उन कंटेनर्स पे मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से, जो हम लेबोरेटरी में हमारे को मिल सकता है. व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्पिल्ट ऑन द फ्लोर, अगर ये लिक्विड्स फ्लोर पे गिर जाएं, फैल जाएं, तो क्या होगा. मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर टू डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन, डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम. हमने कोई भी लिक्विड जो है 50 ml का मेजर कर लिया और उनको उसको अब हम डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स में अगर ट्रांसफर करें तो क्या उसका वॉल्यूम सेम रहेगा. डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन्स द सेम, क्या उसकी लिक्विड की शेप सेम रहेगी. When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? जब हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में उसको डालते हैं तो क्या वो आराम से फ्लो करता है. We observe that liquids have no fixed shape but have a fixed volume. तो इसे में क्या पता चलता है कि लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं है. ये जिस कंटेनर में या जिस भी चीज़ में डाले जाते हैं वो उनकी शेप ले लेते हैं, लेकिन दे हैव अ फिक्स वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम फिक्स होता है. दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर विच दे आर कैप्ट. लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड. लिक्विड फ्लो मतलब बहते हैं और अपनी शेप चेंज करते रहते हैं, इसलिए वो रिजिड नहीं है, लेकिन बट हम उनको फ्लूइड बोल सकते हैं. अब जो 1.4 1.5 की एक्टिविटी हमने करी, हमने क्या देखा कि सॉलिड एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इन, वी सॉ दैट सॉलिड एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इन टू लिक्विड्स, कि सॉलिड और लिक्विड्स जो है वो लिक्विड्स में डिफ्यूज कर सकते हैं, घुल सकते हैं. द गैसेज फ्रॉम द एटमोसफेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर, जो एटमोसफेयर में गैसेज होती हैं वो लिक्विड में डिजॉल्व कर सकती हैं, वाटर में डिजॉल्व कर सकती हैं. दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज कर पाते हैं, जिस वजह से जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं. ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, सब लिविंग क्रिएचर्स सबको ब्रीथ करना पड़ता है सर्वाइवल के लिए. एक्वाटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं पानी के अंदर जो रहते हैं वो इसी वजह सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है वो डिजॉल्व हो जाती है वाटर के अंदर. दस वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉलिड लिक्विड और गैसेस ये सब लिक्विड्स में डिफ्यूज हो जाते हैं.
द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन द सॉलिड. जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है लिक्विड्स का वो ज़्यादा होता है सॉलिड से. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर. ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लिक्विड होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा फ्रीली मूव कर पाते हैं और उनके जो पार्टिकल्स के आपस में स्पेस होता है वो भी ज़्यादा होता है उनके बीच में एज़ कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड से. उसके कंपेयर में जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस कम होता है. नाउ द गैशियस स्टेट. Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? Inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder. ये balloon seller की बात हो रही है जो हमने देखा है कि balloons फिलाते हैं cylinder gas cylinder से. Now, इस activity में हमें कहा गया take 300 ml syringes. हमें syringe लेनी 100 ml की and close their nozzles. जो उनकी tip है वो हमें rubber cork से close करनी है, बंद कर देनी है. और रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज. सब सिरिंज से हमें पिस्टन रिमूव करना है. लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीसेज ऑफ चॉक इन द थर्ड. अब जो तीन सिरिंज है उनमें से एक में हमें कुछ नहीं करना है, दूसरी सिरिंज में हमें वाटर फिल करना है और जो थर्ड सिरिंज है उसमें चॉक के पीसेज फिल करने हैं. इंसर्ट द पिस्टन्स बैक इन टू द सिरिंजेस. अब हमें वापस पिस्टन लगा देना उनकी बैक में. यू अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन्स बिफोर इंसर्टिंग देम इन टू द सिरिंजेस फॉर द स्मूथ मूवमेंट. Now try to compress the content by pushing the piston in each syringe. हम वैसलीन अंदर लगा सकते हैं सिरिंज इंसर्ट करने से पहले ताकि उनकी मूवमेंट स्मूथ हो जाए. अब उनको हम कंप्रेस करने की अगर कोशिश करते हैं पिस्टन को ईच सिरिंज में, बट डू ऑब्जर्व हम क्या देखेंगे. इन विच केस वॉज द पिस्टन ईजली मूव पुश्ड इन, कि किस में पिस्टन आराम से पुश हो रहा है. वट डू इन्फर फ्रॉम अदर ऑब्जर्वेशन, योर ऑब्जर्वेशन आप क्या इन्फर करते हैं. We have observed that gases are highly compressible as compared to solids and liquids. कि gases highly compressible मतलब आराम से compress हो जाती है as compared to solids and liquids. The liquefied petroleum gas LPG जिसको हम बोलते हैं सिलेंडर जो हमारे घरों में यूज़ होता है कुकिंग के लिए, और जो ऑक्सीजन सप्लाई टू द हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर्स या फिर जो हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई, वो सब कंप्रेस्ड गैस होते हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हॉस्पिटल में सप्लाई होते हैं. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस is used as fuel these days in vehicles. जो vehicles है आजकल मतलब सवारियों में भी जो अब डलते हैं fuel as a fuel CNG आजकल use हो रही है. Due its high compressibility larger volumes of a gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. क्योंकि कंप्रेस गैस आराम से कंप्रेस हो जाती है तो उसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस उसको कंप्रेस करके छोटे सिलेंडर में भर दिया जाता है और आराम से ट्रांसपोर्ट किया जाता है. वी केम टू नो ऑफ what is being cooked in the kitchen without even entering here. जब खाना पकता है तो बिना किचन में जाए हमें उसकी स्मेल आ जाती है क्योंकि. तो हाउ डज दिस स्मेल रीचेस, तो वो उसकी स्मेल हमारे पास कैसे आती है. द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ द फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ द एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीचेस एंड इवन फादर अवे. जो फूड के अरोमा के पार्टिकल्स होते हैं खुशबू होती है वो एयर पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाती है और हमारे तक आ जाती है इवन फादर चाहे कोई दूर भी बैठा हो. द स्मेल ऑफ हॉट कुक फूड रीचेज इन इन सेकेंड. गर्म गर्म खाने की खुशबू हमारे पास सेकेंड्स में आ जाती है. कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स एज कम्पेयर टू सॉलिड से लिक्विड के डिफ्यूजन के. ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दम गैसेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इन टू अदर गैसेज. क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है और उनकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है तो गैस जो है दूसरे गैसेज में बहुत ईजीली डिफ्यूज हो जाती है, बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाती हैं. इन द गैशियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड. रैंडमली मतलब इधर उधर भागना, कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती है. गैशियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इधर उधर बहुत स्पीड से भागते हैं. ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर, जिससे वो आपस में टकराते हैं पार्टिकल्स और जो कंटेनर है उसकी वॉल से भी टकराते हैं. द प्रेशर एक्जर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्जर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. जो प्रेशर एक्जर्ट करती है गैस की वजह से जो प्रेशर होता है वो इसी वजह से होता है. ये जो फोर्स गैस पार्टिकल एक्जर्ट करते हैं लगाते हैं कंटेनर की वॉल्स पे. ये ABC में हमें इस डायग्राम में दिखा भी रखा है.
मैग्नीफाइड स्कीम स्प्लेंटिक पिक्चर्स के थ्रू हमें थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर दिखाए गए हैं। द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स कैन बी सीन एंड कंपेयर्ड इन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। हम सॉलिड में देख सकते हैं पार्टिकल टाइटली मूव्ड, इनके स्पेस कम है इनके पार्टिकल्स के बीच में। लिक्विड में स्पेस बहुत ज़्यादा है, मूविंग कम है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, लेकिन ज़्यादा है। और गैस में पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं और एक दूसरे को हिट भी करते हैं, और इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस भी है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।